एनआरसी के खिलाफ हैं सिर्फ हम लोग और कुछ नहीं है। पीसफुल मार्च निकालना चाह रहे हैं और पीसफुल निकल आप देख रहे हैं आप सिर्फ, मगर हमें आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। जो ये सब लोग इकट्ठा हैं इस टाइम पे, ये जो सीएबी की आड़ में जो सरकार ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है वो ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से हटा के, और सरकार क्या चाहती है कि देश के अंदर इस तरह की गतिविधियां होती रहें, ठीक है, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सीएबी जो है ये असली लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेव करने की लड़ाई है, और ना हमारी लड़ाई किसी और से है। हमारे साथ सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सारे रिलीजन ही एक साथ खड़े हुए हैं इस बिल के खिलाफ। ये काला कानून के खिलाफ हम लोगों का प्रोटेस्ट है, कंटिन्यू हमारा एक हफ्ते से प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू भी नहीं चल रहा। अगर ये कुछ और होता तो फिर ये इसके लिए एक्शन ले लिया होता, लेकिन हमारे खिलाफ जितने भी साजिश कर रही है, जिस देश की गवर्नमेंट, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का राष्ट्रपति अपने ही देश के नागरिक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उस देश का क्या हो सकता है, आप जरा सोचिए। एनआरसी का विरोध करने के लिए आए यहाँ पर, हम एनआरसी का विरोध चाहते हैं, और हिंदुस्तान में बस दो ही कैब रहेंगे, एक ओला एक उबर, तीसरा कोई कैब नहीं आएगा यहाँ पर। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, और यहाँ पे हमारे आने का मकसद ये है क्योंकि आज पूरे देश के हालात आप लोग देख सकते हैं। देश में कहीं सरकार बात कर रही है एनआरसी की, उसके बाद सीएबी की। एनआरसी में ये सरकार क्या करेगी आप बताइए? एनआरसी के अंदर सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम सब एक ही बराबर है, सबके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। उसके बाद जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं उनको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, उसके बाद ये लोग लागू करेंगे सीएबी। सीएबी के अंदर में मुस्लिम्स को छोड़कर, मुस्लिम माइनॉरिटीज को छोड़कर, ये पूरे बाहर के जितने भी होंगे, उसमें क्रिश्चियन हो जाए, ईसाई हो जाए, वो सिख हो जाए, बौद्ध हो जाए, हर किसी रिलीजन के लोगों को ये लोग यहीं पर अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा कर देंगे। लेकिन जो बाकी के बचे हुए मुसलमान हैं उन लोगों का क्या करेगी सरकार जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? आप खुद देखिए बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर हर साल सैलाब आते हैं, सैलाब में लोग पूरे पूरे घर बह जाते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से संभाल के रखेंगे? ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये इस सबके खिलाफ है, गरीब तबके के खिलाफ है। लोगों ने भ्रम बना दिया कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान के लिए सबके खिलाफ है। दलित हुआ, गरीब हुआ, बेचारा कि जिसके बाढ़ बिहार में जो रहता है, बाढ़ आती रहती है वहाँ पर, बाढ़ में सारे पेपर चले गए, वो कहाँ से लाएगा अपने आपके प्रूफ, आप बताइए। प्रकार की यहाँ पे गतिविधि देखी गई है दरियागंज में, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ देखा गया है, क्योंकि दरियागंज के लोग जो है हमेशा से कोऑपरेटिव रहे हैं, कभी यहाँ पे कोई किसी तरह की झड़प नहीं होती, किसी तरह के किसी दंगे की यहाँ पे आज तक कोई वारदात नहीं है। ये इतिहास में आज पहली बार ऐसा शर्मनाक दिन हमने देखा है दरियागंज के अंदर, जिसमें आज हम सबको ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि पुलिस जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी रक्षा के लिए, वही आज लोगों को घरों के अंदर घुसा के आ रही है, लोग बागों को उनके घरों के अंदर कैद कर दिया है, इतना बुरी स्थिति बना दी है इस वक्त इस सरकार ने कि लोग बाग जो है अपने आप को बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रहे हैं।